अग्रवेश महाकुंभ में अब 20 करोड़ अग्रवेश बंधुओं को जोड़ने का संकल्प अग्रवाल समाज द्वारा लिया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर 750 परिवारों ने अपने रिश्ते जोड़े। अग्रवाल परिचय सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश एरन ने कहा कि अब हम 8 करोड़ अग्रबंधुओं को जोड़ने की बजाय पूरे देश में 20 करोड़ अग्रबंधुओं को जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम पूज्य संत श्री गोपाल सिंह जी महाराज और श्री मुन्नालाल गोयल बीज निगम अध्यक्ष, श्री पारस जैन जैन समाज अध्यक्ष और श्री अभय चौधरी भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष, रोहित गुप्ता गहोई समाज, वंदना भूपेंद्र प्रेमी, श्रीमती रुचि राय, नवल किशोर शुक्ला पूर्व महाप्रबंधक यूको बैंक, नरेश गुप्ता डिप्टी कलेक्टर, विनय जैन युवा समाज सेवी अतिथि के रूप में शामिल हुए। 5 दिन तक चले इस महाकुंभ में पूरे जोश खरोश के साथ एक बहुत बड़े पंडाल में लगातार अपनी बुलंदी पर आगे बढ़ते हुए 50 शहरों से सम्मेलन के पदाधिकारी फूलबाग मैदान में पहुंचे, उनको अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। ये अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा आयोजित अग्रवेश महाकुंभ था जो कि 30 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक लगातार चलता रहा। इस पंडाल के अंदर हजारों लोग जहां पधारे, पूरे चंबल संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग शहरों से भी लोग जहां आए। इस आयोजन में खास बात ये थी कि इस बार जो का होने वाला जो आयोजन अग्रवाल समाज के साथ साथ इसमें बैस समाज के लोगों को जोड़ा गया था, जिसमें कई अनेकों परिवारों ने, बैस समाज के लोगों ने अपने बच्चों के पंजीयन कराए और पत्रिका में नाम भी दिया और मंच पर आके उनका परिचय भी कराया। तो जो बहुत खूबसूरती वाली बात थी कि एक ही पंडाल के नीचे हमारा पूरा बैस समाज एकत्रित हुआ और आज हम इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर एक शपथ ले रहे हैं कि हम इस ग्वालियर से निकली हुई चिंगारी पूरे देश के अंदर बैस समाज शक्ति के रूप में प्रदर्शित होगी। जो मैं आपको वादा दिलाता हूँ, हम लोग पूरे देश के अंदर 20 करोड़, अब जो बात होगी वो 8 करोड़। हम लोग अभी कहा करते थे कि 8 करोड़ अगर बंधु एक हो, मेरा एक नारा है, मेरी सोच का नारा है कि अब 8 करोड़ नहीं, अब तो 20 करोड़ एक होने की बात होगी, अब इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। इसमें कम से कम हम लोगों ने इस मंच के माध्यम से 1200 बच्चों का परिचय कराया और उसमें कम से कम, अभी हम जल्दी नहीं करते किसी चीज़ में, कोई समझौता जिंदगी भर का रिश्ते का होता है तो उसमें जो रिश्ते बनेंगे वो आज के बाद से माध्यम से तरीके से जो होते हैं वो कम से कम 500-600 रिश्ते इस पंडाल के किए हुए कार्यक्रम से बनेंगे। नहीं, मदद तो हम जो करेंगे, कोई भी हमारे पास आएगा ऐसा लगता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, नहीं कर पा रहा है किसी कारण, तो मदद करने को पूरा समाज तैयार है।